रामपाल समेत जो 15 आरोपी हैं, सभी को उम्र कैद 302 में उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना और 120 की में उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना। रामपाल जी का केस मैं रोहतक में भी देख रहा हूँ, उसमें भी केस आलमोस्ट तैयार है, सभी गवाहों के करीब करीब पूरे होने वाले और आगे अभी मुंसिब के बयान और फिर डिफेंस आर्गुमेंट चलेंगे। इस मामले की अगर हम 429 की थोड़ी डिटेल की बात करें, इसमें महिलाओं समेत बच्चे की मौत हुई थी, थोड़ी डिटेल अगर आप बता पाए। इस केस में 5 मृत्यु हुई थी जी, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा 1.5 वर्ष का था। 2 महिलाओं को तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, 2 महिलाओं को अपने लंग्स में प्रॉब्लम थी निमोनिया की वजह से, और जो बच्चा था वो पुराना निमोनिया का पेशेंट था, और किसी के शरीर पे भी जाहिरा तौर पे कोई चोट नहीं थी। सभी की सभी मृत्यु सिर्फ दम घुटने से हुई है। हमारा वर्षन ये था दम घुटा क्यों, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे 59 टीयर गैस शेल्स, 28 चिल्ली पाउडर शेल्स, वाटर कैनी। अपने जजमेंट में क्या कहा, जब दोषी करार देते हुए जजमेंट में क्या कुछ कहा, जज साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया? हमने जज साहब से ये प्रार्थना की कि जज साहब इसमें किसी के शरीर पर कोई चोट नहीं, हमारा कोई मोटिव नहीं था इनको मारने के लिए, हमारी कोई प्रीवियस एनिमिटी नहीं थी, मेरा सारा बैकग्राउंड पिछला अच्छा है, मैं धर्म कर्म के काम करता हूँ, लड़कियों की शादियाँ करवाता हूँ, गरीबों की अनटचेबिलिटी के खिलाफ। आज जब जो बाकी के आरोपी थे रामपाल समेत जो 15 आरोपी थे, सभी को दोषी करार देने के साथ 302 में दोषी करार दिया गया, और जो बाकी के सेक्शन है, चाहे हम साजिश रचने की बात करें या उकसाने की बात करें, उनमें क्या कुछ सुनाया गया? उनमें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 302 में उम्र कैद 1-1 लाख रुपए जुर्माना और इसी पर सभी को, और 120 में जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उसमें भी सभी को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना और सभी सजाएं इकट्ठी चलेगी। नंबर एक। नंबर दो, हमने ये भी प्रार्थना की थी कि किसी प्रकार का ये केस नहीं बढ़ता जिसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि हमारा आज आने का पर्पज यही था कि ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं है। अच्छा, जो अब और जो जज ने हमारी इस बात से सहमति प्रकट की है कि ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं है। जो दूसरा मामला है, जो 430 FIR है, उसके अंदर कल फैसला सुनाया जाएगा। हाँ जी, कल फैसला सुनाया जाएगा उसमें, क्योंकि एक डेथ है और वो पेशेंट जो मरने वाली थी 2 साल से झांसी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पिछले 1-1.5 साल से उसका वहाँ भी इलाज चल रहा था, और वो दरअसल मरी है हार्ट अटैक से। अपना एक बार नाम बता दीजिए। आई एम JK गक्खड़, एडवोकेट फ्रॉम। तो ये JK गक्खड़ साहब हैं जो कि रामपाल के